असलामुअलैकुम, वेलकम है आपका लाइफ विद आमना में। और आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज लाइफ विद आमना के 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और आज मेरे लिए और आप सबके लिए भी बहुत बड़ा दिन है, और मेरी फैमिली के लिए भी। और आज आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है कि मैं, वो सरप्राइज क्या है, मैं सबको एक एक करके लेके आऊंगी और उनसे पूछूंगी कि उनकी फेवरेट वीडियो कौन सी है जिसका उनको देखने का दिल बार बार करता है। जैसे कहते हैं ना, दिल करता है बार बार देखो, वैसे। और मैं उनसे पूछूंगी, तो सबसे पहले हम लेके आते हैं प्रिंसेस अनमोल को और उनसे पूछती है आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी है। तो आप लोग अनमोल तो बोल नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि अनमोल की फेवरेट वीडियो कौन सी है। उसकी फेवरेट वीडियो है उसकी बर्थडे की वीडियो। तो उसकी बर्थडे की वीडियो है, वो उसको देख के सोती है। मैं आप सबको बताऊं, वो देखती है 3-4 मरतबा उसको देखती है, उसके बाद उसको सो जाती है देख के। तो वो जिद करती है मेरी बर्थडे लगाओ, मेरी बर्थडे लगाओ। तो हम आज दिखाते हैं कि वो कैसे देखती है। आप लोग देखो अनमोल अपनी बर्थडे कैसे देखती है। लाया जाए मोबाइल। तो ये है अनमोल की फेवरेट वीडियो आज तक की, जिसे वो देखती है बार बार। और अब हम पूछेंगे आयशा से कि आयशा आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी है लाइफ विद आमना की। तो आइए आयशा। हाय, अस्सलाम वालेकुम। तो आयशा, आप सबको बताएं कि लाइफ विद आमना आपको कैसा लगता है और आज तक की आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी है। मेरी फेवरेट वीडियोस बहुत ज्यादा है। कौन कौन सी? आमना की बर्थडे की वीडियोस। मेरी बर्थडे तो हो चुकी हुई है। दोनों वीडियोस मुझे बहुत पसंद है, जो अब हुई और जो पहली हुई थी वो भी। बस और चैलेंज और अपना चैलेंज पसंद है जिसमें मैंने कच्चा अंडा खाया। हाँ, वो मेरा फेवरेट चैलेंज है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए कच्चा अंडा खाना। अच्छा, लोगों ने बहुत बातें की, गंदी, पता नहीं कैसे खा लिया, पर कोई गंदगी नहीं था उसमें, कोई गंदगी नहीं थी, बस खा लिया मैंने। अच्छा, तो आप लाइफ आमना को क्या कहना चाहेंगी कि उनके 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं और उन्होंने, आप ही थी साथ, आपने भी बहुत मदद की है मेरी इस चैनल पे। मुझे याद है जब हम चैलेंज करते थे तो उसको शूट आयशा ही करती थी। और अब आप आइंदा लाइफ आमना को क्या कहेंगी? लाइफ आमना भी मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करें। मिलियन सब्सक्राइबर तब हो सकते हैं जब आमना डेली वीडियो शूट करके भेजे और उसके पास टाइम नहीं होता, उसने किचन में आमना की वीडियो शूट करनी होती है रेसिपी की डेली। तो आज आप लोगों ने आयशा से भी मिल लिया, मतलब आयशा से बातें भी कर ली, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आयशा बोलती नहीं है, बोलती नहीं है, बोलती नहीं है। तो आज आयशा ने बोला है और बताया भी आपको कि उसकी फेवरेट वीडियो कौन सी है। तो थैंक यू सो मच आयशा, आप आई और आपने मुझे बताया कि मेरी जो आपकी फेवरेट वीडियो आप कौन सी है। मैं तो रिली करना चाहने का। ओह माय गॉड, आप फिर यही ले लें, अभी और भी कुछ आने वाला, आप साइड पे हो जाएं। अच्छा ठीक है। तो अब हम बुलाएंगे भाभी और भाई को और उनसे पूछेंगे कि उनकी फेवरेट वीडियो कौन सी है। तो आ जाएं, दोनों आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। तो आ चुके हैं। अली भाई की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी वो आए हैं। तो आप सबको पता चली गया कि वीडियो में, आज की वीडियो में क्या है कि मैं सबसे पूछ रही हूँ कि आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी है लाइफ विद आमना की। तो सबसे पहले हम पूछते हैं अली भाई से। सबसे फेवरेट जो वीडियो है वो है माई फ्लाइट लाहौर टू कराची। हाँ, और कुछ नहीं? और भी बहुत सारी है लेकिन ये ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, और भाभी आपकी? मेरी सबसे फेवरेट वीडियो मेरी बर्थडे, क्योंकि वो बहुत यूनिक थी, क्योंकि ऐसी बर्थडे कभी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। क्योंकि इनको फील हुआ था कि मैं एक शहजादियों की तरह बर्थडे की गई थी। हाँ, इसलिए बहुत यूनिक थी वो। हाँ, ऐसा फील हुआ था। बस और चैलेंजेस में से मुझे अपना चैलेंज अच्छा लगता है, ब्लाइंड फोल्ड मेकअप चैलेंज, क्योंकि वो बहुत फनी था। ओहो, काफी कमेंट्स आए थे, बहुत मजा आया, फनी चैलेंज। और कुछ कहना चाहेंगे आप दोनों? आप बारी है मोटे की। तो अब बारी है बिलाल की, जिसने मेरे साथ इस चैनल को कंप्लीट किया है। 2 साल, 2 साल हो गए हमारे चैनल को लाइफ विद आमना को, और 2 सालों में हमने 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए। तो अब बारी है बिलाल की, उसका शूट
कौन करेगा? आयशा करेगी या मैं खुद करूं और बिलाल बैठेगा, हाँ। आपको बताएगा, चलें। तो हाँ जी आमना बताओ, मैं तो ऐसे बैठूंगा। तो अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। लाइफ इज बिलाल। अच्छा तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी कि क्योंकि लाइफ इज आमना की जो जर्नी थी वो आप ही के साथ मेरी गुजरी है, 2 साल हुए हैं। बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, और 2 लाख सब्सक्राइबर भी हमने कंप्लीट किए हैं दोनों ने साथ में ही। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 2 मिलियन भी कंप्लीट किए थे। 2 मिलियन वो किचन भी दामना की बात है, 3 मिलियन भी होने वाले हैं। हाँ, वो इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन मैं आपसे इस टाइम लाइफ विद दामना की बात कर रही हूँ कि लाइफ विद दामना में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी है, चाहे वो चैलेंज हो या कोई बर्थडे वगैरह की, जो भी वीडियो जो हम शूट करते हैं व्लॉग समझ लें, जो भी समझ लें वो हो। अच्छा मैं बताता हूँ, तो सबसे जो मेरी फेवरेट वीडियो है वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक बहुत ही प्राउड मूमेंट है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आप सबके लिए भी और पूरे मतलब जितने हमारे फैन हैं, फॉलोअर्स हैं, उन सबके लिए भी। One better represents this than Amna, Bilal and Aisha, who are behind Kitchen with Amna, with over 1 million subscribers in all of Pakistan. Yes, let's give a round of applause for that. और साथ साथ पूरे पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम यूट्यूब पल्स हुआ था, तो उसमें किचन विद आमना की जो स्टोरी थी वो लॉन्च हुई थी, एक बड़ी स्क्रीन पर आना वो भी 2-3 मिनट के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। Here is their story. तो वहां पर आप सबने वीडियो देखी होगी, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा चैलेंज, अच्छा हाँ, मेरे पास सुनाने को तो बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं, लाइफ भी दामना की भी और किचन भी दामना की तो बहुत ही ज्यादा है। उसके लिए मैं कहता हूँ मैं किचन भी दामना नहीं, लाइफ ही दामना की बात है। बता दूं हर रेसिपी के पीछे एक स्टोरी छुपी होती है। और कोई बहुत कुछ है चैलेंज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे एक चैलेंज याद है जो पिज्जा, हाँ पिज्जा चैलेंज था वो, उसकी वीडियो सिर्फ 2 घंटे के लिए वो मतलब के ट्रेंडिंग पर आई थी, हाँ। रात के 11 बजे से लेके और रात के 1 बजे तक, हाँ। उसके व्यूज जो थे वो 50,000 थे। मैं इस बात पर हैरान था कि 50,000 व्यूज वाली वीडियो ट्रेंडिंग पर कैसे आ सकती है। मैं बहुत परेशान था कि ये कैसे हो सकता है। तो देखा मैंने 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, मैं फिर सोया नहीं। जब मैं देखा वो भी 2 घंटे बाद यानी कि उतर गई ट्रेंडिंग से। वो आई थिंक वो इसकी वजह ये होगी कि उस टाइम कोई ऐसी वीडियो नहीं होगी, मतलब के ज्यादा वीडियोस नहीं होंगी जो चल रही होंगी, पॉपुलर हो रही होंगी, तो इसलिए वो 50,000 के ऊपर आ गई ट्रेंडिंग पर। तो बस, तो बिलाल बता दी स्टोरी अपनी, मतलब कौन सी वीडियो फेवरेट है। थैंक यू सो मच, अब आप जा सकते हैं। मैंने कहा जाना है, मैंने कैमरा ही पकड़ना है। हाँ आ जाओ। तो आज मैंने सबसे पूछ ही लिया कि लाइफ विद आमना की उनकी फेवरेट वीडियोस कौन सी हैं। अब तुम्हारी बारी, ये भी बताएं ना फेवरेट। अब अपनी बताओ। अपनी बताती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगी। एक मिनट बताती हूँ। मैं सच बताऊँ, मेरी सारी वीडियोस मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत किया, चाहे वो चैलेंज हो या व्लॉग्स हो या कोई भी वीडियो, व्लॉग समझ लें, वीडियो समझ लें, जो भी आप समझते हो, तो मैंने सब वीडियोस में बहुत मेहनत की हुई है। फेवरेट लेकिन जैसे कि बिलाल ने कहा कि उसकी जो वीडियो थी पल्स वाली, यूट्यूब पल्स की, वो बेस्ट थी, उसके लिए प्राउड वाली वीडियो थी। मेरे लिए भी वो प्राउड वाली वीडियो थी, लेकिन वो तो सबके लिए है, वो तो हर किसी के लिए होता है, वो तो है, वो तो एक जगह पे है, लेकिन मेरे लिए मेरी वीडियो कौन सी बेस्ट है, कौन सी बेस्ट है, हाँ जो मेरे ससुराल से आई ईद वाली, मतलब वो वीडियो मेरी बेस्ट थी, ससुराल से ईद आई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो भी बेस्ट है। और एक मेरी इस साल नहीं पिछले साल की, हाँ बर्थडे पे जो मुझे सरप्राइज दिया था उमैन ने, वो मेरे लिए बेस्ट है, जो सब लोगों ने, आप सब ने मिलके मेरे लिए प्लान किया था, लेकिन लोग समझते हैं कि वो प्लान नहीं था, वो मिला हुआ था, मतलब ये था कि वो सबने, तुमने मिलके नाटक किया था, ड्रामा किया था, लेकिन वो प्लान था इन सब का, तो वो मेरे लिए सबसे स्पेशल है जो उमैन ने मुझे सरप्राइज दिया था बर्थडे। और चैलेंज कैसे बोल सकती हूँ, मैंने बिलाल के साथ चैलेंज किए हैं, चैलेंज के साथ भी किए हैं,
हाँ तुम लोगों के साथ भी किए हैं, वो भी है, वो तो बेस्ट है, लेकिन बिलाल के साथ मैंने बहुत से चैलेंज किए हैं। सबसे मुश्किल चैलेंज, सबसे मुश्किल चैलेंज मेरे लिए सारे मुश्किल चैलेंज थे, क्योंकि मैंने बहुत खाया हुआ चैलेंज वगैरह में, और बिलाल हमेशा फुस हो जाता था, फुस। और बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत मेहनत की हुई है चैलेंज में, जो भी होता था खाने के लिए, चैलेंज सारे मेरे लिए बेस्ट है। हरी मिर्चें खाई थी, मिर्च खाई थी, हरी मिर्च बिलाल ने खाई थी, वो बिलाल ने खाई थी, मैंने नहीं खाई थी, तुमने भी खाई थी, मैंने नहीं खाई थी, वो बिलाल ने ऐसा था कुछ खाया था, नहीं नहीं बिलाल करेला खाया था, नहीं नहीं कुछ नहीं, बिलाल खाया खाया था ऐसा कच्चा कुछ खाया, भिंडी खाई थी, भिंडी खाई थी, वो भी बिलाल ने, हरी मिर्चें खाई थी, नहीं नहीं बिलाल ने खाई थी, खाई नहीं है, भूल गई, क्योंकि मैं हर चैलेंज में विनर होती थी, मैं कैसे कुछ खा सकती थी। असली बात ये है। अच्छा, बहुत मेहनत करती है आमना, मेरे लिए, मेरे लिए मैं सच्ची बताऊं, मेरे लिए चैलेंज चैलेंज कर रही, मेरे लिए वीडियो बेस्ट थी, बेस्ट थी। एक वीडियो बताओ जो बिलाल ने सबसे अच्छी एडिट की हो, जो तुम कहती हो बेस्ट है, और शूट भी बेस्ट है, वीडियो भी बेस्ट है, एडिटिंग भी बेस्ट की हो। कोई भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, उसे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं है उसको आता। मुझे तो बर्थडे वाला व्लॉग सबसे बेस्ट लगा जो अब किया था उसने। अच्छा, आपको तो बर्थडे वाला व्लॉग पसंद था, लेकिन सच बताऊं उसकी हर वीडियो बेस्ट होती है। कराची का व्लॉग मैं ये नहीं कह सकती, कराची का व्लॉग ये गलत है, ये गलत है, एक चुनना उसकी, वो हर वीडियो में मेहनत करता है, उसकी हर वीडियो बेस्ट होती है, वो सारी वीडियो बेस्ट है। एक वीडियो ये गलत है कहना कि कोई वीडियो बेस्ट थी, कौन सी वीडियो बेस्ट, नहीं मुझे तो बर्थडे व्लॉग मतलब तुम ये कह रही हो ना, तुम ये कह रही हो कि वीडियो एडिट वगैरह की बात कर रही हो, एडिट बात और एडिटिंग जो सब एडिट की बात नहीं कर सकते, उस हर वीडियो में मेहनत करता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं कहने की। अभी तो तुम कह रही थी कुछ नहीं करता, वो तो मैं मजाक कर रही थी, तो मैं मजाक कर रही थी उसके साथ। अच्छा तो चलो अब तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट आपकी व्लॉग्स कैसे आ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट व्लॉग्स जो आ रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल आने वाले हैं, बहुत जल्द इंशाल्लाह कि आपको बहुत कुछ मिलेगा उस व्लॉग्स में, और शादी की तैयारियाँ, शादी की सब कुछ, शॉपिंग हंसो मेरी तो देखूंगा, शादी की शॉपिंग, शादी की जो जो अपडेट होगी सारी आप सबको मिलेगी, सब किस चैनल में मिलेंगी, लाइफ इज दामना में, लाइफ इज दुमैर में, और कुकिंग विद दुआ में, और लाइफ इज बिलाल में, लाइफ इज बिलाल में, सॉरी बिलाल नहीं, बिलाल नहीं, लाइफ इज बिलाल में। लंदन में कैसे शॉपिंग हो रही है, पाकिस्तान में कैसे शॉपिंग हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया में कैसे शॉपिंग हो रही है, ये सब कुछ आपको अपडेट मिलेगी हर चैनल्स में। तो बहुत कुछ मिलने वाला है लाइफ इज, मतलब आमना के फैंस के लिए, जो आमना को प्यार करते हैं, जो आमना की वेडिंग देखना चाहते हैं, बहुत कुछ, तो आप सबको बहुत कुछ मिलेगा। लाइफ इज आमना को देखते रहो, लाइफ इज दुमैर को देखते रहो, लाइफ इज बिलाल को देखते रहो, कुकिंग विद दुआ को देखते रहो, तो ऐसे ही। तो अब स्पेशल जो हमने केक रेडी किया, बिलाल लेके आया, आपको बताऊं बिलाल ने सरप्राइज दिया था केक का, तो वो केक स्पेशल लेके आया, मतलब ये कि पाइन एप्पल लेके आया, उसका फेवरेट पाइन एप्पल लिया है, वो पाइन एप्पल केक लेके आया अपनी पसंद का बना के, वो कहते हैं हम केक काटेंगे लाइफ इज आमना के लिए, तो चले अब केक लेके आते हैं, चले। तो ये देखिए केक आ चुका है, बिलाल का फेवरेट केक लाता है, यही केक है, यही केक लाता है, तो आ जाओ सारे आ जाओ। अनमोल तो ये केक काटेगी, अनमोल, ये अनमोल, अच्छा अच्छा हमारी प्रिंसेस काटेगी केक। हैप्पी हैप्पी न्यू लैक सब्सक्राइबर, लाइफ इज दामना चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइफ इज उमैर चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फियोंसे के चैनल को, और कुकिंग विद दुआ को सब्सक्राइब करें, मेरे भाभी के चैनल को। इन दोनों चैनल्स के लिंक जो होंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।